हेलो गाइस, वन सेकंड, वेलकम बैक टू द कैसे करे टेक यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को अपने एंड्रॉयड मोबाइल से डिलीट हो चुकी कॉल रिकॉर्डिंग्स को रिकवर करना सिखाने वाला हूं। और इसके लिए जो है मैं यहां पर दो तरीके बताने वाला हूं। अगर आप लोग एमआई फ़ोन यूज़र हैं तो आप लोगों को फर्स्ट मेथड यहां पर यूज़फुल होगी, लेकिन अगर आप लोग एमआई के अलावा ओप्पो, वीवो या फिर सैमसंग यूज़र हैं और आप लोग परेशान हो रहे हैं कि भाई किस तरीके से हम लोग अपनी डिलीट हो चुकी कॉल रिकॉर्डिंग्स को कैसे वापस ला सकते हैं, तो हमारी इस छोटी सी वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं। गाइस, सबसे पहले मैं यहां पर आप लोगों को जो है कुछ रिकॉर्डिंग्स को डिलीट करके दिखाता हूं और उन्हीं रिकॉर्डिंग्स को मैं आप लोगों के सामने यहां पर जो है रिकवर करके दिखाऊंगा। जैसे कि मैं चले जाता हूं रिकॉर्डर के अंदर एंड देन फिर मैं यहाँ पर जो है राइट साइड में दिख रही थ्री लाइंस पर क्लिक कर देता हूँ और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं रिकॉर्डेड कॉल्स में जो है मेरे सामने यहाँ पर 22 कॉल्स जो है भी रिकॉर्ड करी हुई है। अब इसमें से मैं जो है दोस्तों कुछ रिकॉर्डिंग्स को डिलीट कर देता हूँ एंड देन मैंने सिंपल यहाँ पर डिलीट के बटन को प्रेस कर दिया है और इसे कन्फर्मेशन दे दिया है। अब आप देख सकते हैं कि वो चार कॉल यहाँ से डिलीट हो चुकी हैं। अब मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ कि आप लोग डिलीटेड कॉल्स को वापस कैसे ला सकते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है दोस्तों कि एमआई फ़ोन यूज़र को वापस से रिकॉर्डर वाले इस एप्लीकेशन के अंदर आना है जो कि इनबिल्ट एमआई फ़ोन्स के अंदर दिया हुआ रहता है। आपको इसे ओपन करना है और ओपन करने के बाद में राइट साइड में ऊपर आप देख सकते हैं कि आप लोगों को सेटिंग का आइकॉन देखने के लिए मिलेगा। आपको सिंपल इसे क्लिक करके ओपन कर लेना है। अब आप लोगों को नीचे की ओर जाना है और जब आप लोग नीचे जाओगे तो यहाँ पर आप लोगों को रिसेंटली डिलीटेड आइटम्स का एक सेटिंग ऑप्शन मिलेगा। आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है और आप लोग देख पाएंगे दोस्तों कि पिछले 30 दिनों में यानी कि 30 डेज में आपने जितनी भी कॉल रिकॉर्डिंग्स को डिलीट किया है वो सब कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी और आप इन्हें बड़ी ही आसानी से रिकवर भी कर सकते हैं। कॉल रिकॉर्डिंग्स को रिकवर करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को कॉल रिकॉर्डिंग्स को सिलेक्ट कर लेना है, जिन भी कॉल रिकॉर्डिंग्स को आप रिकवर करना चाहते हैं एंड देन इसके बाद सिंपली आप लोगों को नीचे जो है रीस्टोर का ऑप्शन मिलेगा। तो मैं यहां पर जो है अपनी सभी कॉल्स को सिलेक्ट कर लेता हूं एंड देन सिंपली मैंने रीस्टोर पर क्लिक कर दिया है। रीस्टोर करने के बाद में वो यहां से हट जाएगी और जब मैं यहां पर आता हूं और चेक करता हूं अपने रिकॉर्डेड कॉल्स की लिस्ट में तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास में जो है दोस्तों सभी कॉल्स जितनी भी मैंने डिलीट करी थी कॉल रिकॉर्डिंग्स वो सब कुछ मुझे यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। अब दोस्तों ये तो हो चुका पहला तरीका और जो कि एमआई यूजर्स के लिए वर्क में आता है, लेकिन अब भैया जी बात है दूसरे यूजर्स जैसे कि ओप्पो, वीवो, सैमसंग या फिर दूसरे यूजर्स, तो अब उनका क्या सॉल्यूशन है। इसके लिए जो है मैं आप लोगों को एक एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा। इस एप्लीकेशन का डाउनलोड लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस लिंक से आप लोग जो है इस वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे और आप लोगों को जो है सिंपली इस एप्लीकेशन को डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद में दोस्तों आप लोगों को सिंपली इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। इस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है आप लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा रिकवरी मेथड वन के नाम से, कि देखिए जरा ऊपर आप लोगों को एक नोटिस दिया हुआ है आल्सो रिकवर एसडी कार्ड। अब अगर आप लोगों ने अपने कॉल रिकॉर्डिंग्स की सेव की लोकेशन जो है अगर एसडी कार्ड के अंदर सेट की हुई थी तो आप लोगों को इस ऑप्शन को भी मार्क कर लेना है, अदरवाइज आप लोगों को इसे मार्क नहीं करना है। अब मैं सिंपली जो है यहाँ पर रिकवरी मेथड वन पर क्लिक करूँगा जिससे मुझे कुछ इस तरीके से जो है एक ऑप्शन मिलेगा और फिर मुझे जो है यहाँ पर सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है और मुझे स्टार्ट पर क्लिक कर देना है, जिसके बाद से आप लोग देख पाएंगे कि आप लोगों के मोबाइल के अंदर कुछ इस तरीके से इस सॉफ्टवेयर के एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग प्रोसेसिंग जो है स्टार्ट हो जाएगी एंड विद इन 2 मिनट्स आप लोगों के सामने इस सर्चिंग का पूरा रिजल्ट मिल जाएगा। सो गाइस, मेरी जो है सर्चिंग पूरी हो चुकी है और लास्ट में आप लोगों को फिनिश पर क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि आप लोगों को फाइनल इंस्ट्रक्शन में दिखाई दे रहा है कुछ इस तरीके से, तो आप लोगों को व्यू रिकवर्ड ऑडियो पर क्लिक करना है। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आप लोगों को यहाँ पर ऑल रिकवर्ड ऑडियो का जो एक फोल्डर देखने के लिए मिलेगा जिसकी साइज आप लोग देख लीजिए 1.36 GB है। मैं इसे क्लिक करके ओपन करता हूँ और जैसे ही मैंने इसे ओपन करा दोस्तों तो आप लोग देख सकते हैं कि ढेर सारी फाइल्स जो है मेरे सामने यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये देखिए जरा,
अब इस सॉफ्टवेयर की सबसे खास बात दोस्तों ये है कि ये जो सॉफ्टवेयर है हमारी कॉल रिकॉर्डिंग्स के साथ में दूसरी फाइल्स को भी जो है रिकवर कर लेता है, और आप लोगों की जितनी भी कॉल रिकॉर्डिंग्स होगी दोस्तों वो जो है MP3 के आइकॉन के साथ में दिखाई देगी। अब देखिए, मान लीजिए कि अगर आपको किसी रिकॉर्डिंग को प्ले करके चेक करना हो कि वही रिकॉर्डिंग है या नहीं, तो आप सिंपल इस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप क्लिक करोगे तो आप लोगों को यहाँ पर गूगल क्रोम को सिलेक्ट कर लेना है और फिर इसे यहाँ पर प्ले करके चेक कर लेना है। आप लोगों के सामने अभी सारी रिकॉर्डिंग्स तो आ चुकी है जितनी भी डिलीट हुई थी। तो अब आप लोगों को क्या करना है कि जिन भी कॉल रिकॉर्डिंग्स को आप रिकवर करना चाहते हैं आप सिंपली जो है उन्हें मार्क कर दीजिएगा। देखिए जरा, मैं यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ कुछ रिकॉर्डिंग्स को आप लोगों को दिखाने के लिए, और मार्क करने के बाद मैं सिंपली आप लोगों को राइट साइड में ऊपर की ओर दिख रहे 3 डॉट पर क्लिक करना है और आप लोगों को जो है दोस्तों यहाँ से क्लिक करना है रीस्टार्ट पर। आप देख सकते हैं कि फिनिश हो चुकी है और आपको इसे सिंपली फिनिश कर देना है। अब आप लोगों को यहाँ पर दोस्तों जो है कॉपी टू में जो फाइल मैनेजर वाले इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, क्योंकि आप लोग जो है चाहे तो अपनी इस फाइल को डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं। आप अगर व्हाट्सअप पर लाना चाहें तो आप किसी को व्हाट्सअप पर शेयर कर दीजिएगा, लेकिन मैं यहाँ पर फाइल मैनेजर के अंदर चाहता हूँ तो मैंने इस ऑप्शन को सिलेक्ट करा एंड देन मैं यहाँ से गया SD कार्ड के अंदर और फिर मैं यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर देता हूँ। जैसे ही मैंने पेस्ट करा दोस्तों तो मेरे सामने यहाँ पर जो है एक फाइल आ चुकी है। अब मैं इसे क्लिक करके ओपन करके देखता हूँ। एक्सट्रैक्ट फाइल्स टू हियर कर दिया मैंने और यहाँ पर SD कार्ड को वापस से सिलेक्ट कर लिया, और अब मेरे सामने जो दोस्तों सिंपली एक्सट्रैक्ट का बटन आ गया है। ये देखिए जरा दोस्तों, मैं अपने फाइल मैनेजर में आ चुका हूँ और यहाँ पर मुझे रिकवर्ड मीडिया के नाम से फोल्डर मिला है, और यहाँ पर जो है मैंने जितनी भी कॉल रिकॉर्डिंग सिलेक्ट करी थी वो सब कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स मुझे यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। सो गाइस, इस तरीके से आप लोग जो है बड़ी ही आसानी से अपने एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर दो तरीके से अपने फ़ोन से डिलीट हो चुकी कॉल रिकॉर्डिंग्स को वापस ला सकते हैं। सो ओके गाइस, दिस इज़ कैसे करें टेक यूट्यूब चैनल साइनिंग ऑफ। बाय बाय।